हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज बिना लहसुन के बहुत ही टेस्टी दम आलू की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दम आलू बनाने के लिए लिए हैं 700 ग्राम आलू। तो अगर हम इन्हें गिनती में काउंट करेंगे तो ये 13 से 14 आलू हैं। इनको हमने बॉयल कर लिया है, इसके बाद इसका अच्छे से छिलका हटाकर इसमें छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल को हम गरम करेंगे, इसके बाद इन आलुओं को हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे आलू इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और अच्छे से पलटते हुए इन्हें हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू भी फ्राई हो चुके हैं। आलू को कढ़ाई में से निकाल कर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आलू उबालते समय आप एक बात का याद ज़रूर रखिएगा कि जब भी आलू उबालें दम आलू के लिए 2 सीटी ही लीजिएगा उसमें। तो हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं आलू। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 6 टमाटर, 2 हरी मिर्च। तो इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से 4 पीस इसमें टमाटर को काट लेते हैं और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। तो जार में डालेंगे हम सारे टमाटर और मिर्ची को और पीस लेते हैं इसको। अब हम एक बाउल में लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर भी अच्छा आता है और थोड़ा तीखा भी होता है ये। और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोप पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें सूट पाउडर डालेंगे, जिसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और सारे मसालों को अच्छे से पानी में घोल लेंगे। तो ये मसाले अच्छे से 5 मिनट रखेंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे ये मसाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फूल गए हैं। यहाँ पर हमारा जो टमाटर मिर्ची का पेस्ट था वो भी पिस चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे 1 बड़ा चम्मच, इसको गरम करेंगे और 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे इसमें और 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा तड़कने देंगे और इसके बाद जो मसाले हमने बनाए हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इससे क्या होता है कि ये मसाले जलेंगे नहीं और सब्ज़ी में स्वाद भी अच्छा आएगा। तो हमने जो टमाटर मिर्ची का पेस्ट पीसा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और हम अच्छे से इसको भून लेंगे। तो इसमें जब तक तेल अलग दिखाई ना देने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल अलग दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें 4 मिर्ची चीर कर डाल देंगे और अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। सारे आलू को हमने इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स करते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। तो पानी हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम दम आलू बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हम सूखा पसंद करते हैं इसको, अगर आप थोड़ा सा रसेदार पसंद करते हैं तो 1/2 कप पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डालकर इसको ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं करी जो है हमारी आलू की बहुत ही रिच बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, तो थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे इसमें। और 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दम आलू एकदम रेडी हो चुके हैं। इसे आप राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो एक बाउल में सर्व कर लेते हैं इनको। ये परिवार के 4-5 सदस्य के लिए सफिशिएंट है। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसकी धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।